What a joy it is to come into your presence this afternoon, God. And I pray that your presence would fill us, our hearts, even as we open ourselves, our lives to you. Would you take control of us? Would you begin to speak to us? We need to hear your voice, God, this afternoon. More than anything else, for you are our strength, you are our life, and we look to you today. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good afternoon. Praise the Lord. All right, so this afternoon, as we look into the Word of God, would you turn your Bibles to Luke chapter 16? और आइए हम अपनी बाइबल को लूका और उसके 16वें अध्याय को खोलें। It's important that we look at all the scriptures that we're talking about today. और ये जरूरी है कि हम हर शास्त्रों को पढ़ें जो हम आज देखेंगे। Because what we are going to listen from the Word of God is going to challenge us and decide how our future is going to look like. और जिस वचन को आज हम सुनेंगे वो हमें चुनौती हमें देगा कि हम आगे किस दिशा में जाएंगे। Let's read from verses 19 to 31. और हम 19वें पद से पढ़ेंगे। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्ग दूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुँचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आँखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वहाँ अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गढ़ा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वहाँ उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इसी पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। लास्ट वीक वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट आवर डेथ। पिछले सप्ताह हमने मृत्यु के बारे में बात करना शुरू किया। दैट एवरीबॉडी मस्ट डाई, दैट्स व्हाट वी टॉक्ड। कि हर व्यक्ति मरेगा। दैट वंस वी डाई वी हैव अ बिगिनिंग ऑफ एन इटर्निटी आफ्टर आवर डेथ, फिजिकल डेथ। और एक बार जब हमारी मृत्यु होती है तो हम अनंत काल की ओर जाते हैं। Now, where we are going to spend our eternity is decided by the choice that we make while we are living on earth. और हम अपने अनंत जीवन कहाँ बिताएंगे ये इस पे निर्भर करता है कि हम क्या चुनते हैं। That's what we talked about last week, that we must die and we are going to go to one place after the eternity, after we died. और हमने ये बात की थी कि हम हमारी मृत्यु जरूर से होगी और हम किसी जगह पर। So we'll start from there and this week we will look at which place do we go to after we die. और आज हम देखेंगे कि हम किस जगह पर जाएंगे हमारी मृत्यु होने के बाद। Everybody who dies physically will end up in one of the two places. We already know that, right? Go ahead. और हर व्यक्ति जिसकी मृत्यु होगी वो किसी दो में से एक जगह जाएगा। Either we go into the presence of God, which we call heaven. या तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे जिसे स्वर्ग कहते हैं। Or we'll end up in what we call eternal hell. या तो फिर हम अनंत काल के लिए नर्क में जाएंगे। A place where which was reserved for Satan, we'll end up there, one of those two places. और वो जगह जो शैतान के लिए रखी गई थी हम उस जगह में पहुंच जाएंगे। That's why it's important for us to know which place to choose. और इसलिए हमारे लिए जाना जरूरी है कि हमें कौन सी जगह चुननी है। Sometimes we think we know, but we actually don't make choices to go there.
कई बार हमें पता होता है लेकिन हम उन बातों को नहीं चुनते जो हमें वहां पहुंचाएंगे. And that's the misunderstanding that I want to clarify today. और उस गलतफहमी को आज मैं दूर करना चाहता हूं. You know, Satan doesn't want us to have a clarity on hell. शैतान नहीं चाहता कि हमें नरक के बारे में हम सफाई हो. He wants to create misunderstanding about hell. और वो नरक के बारे में गलत फहमियां बनाना चाहता है. I'm specifically targeting Christians today and talking to us that he wants to use false teaching about hell and lead us away from the truth. और शैतान गलत शिक्षा को यूज करके मसीहों को भटकाना चाहता है. Did you know that many Christians don't actually believe in hell? और क्या आप जानते हैं कि बहुत से मसीह हैं जो नरक में विश्वास नहीं करते? They don't believe that you know we end up in hell if we don't follow Jesus. वे ये विश्वास नहीं करते कि अगर वो मसीह को नहीं फॉलो करेंगे तो वो नरक में जाएंगे. That's how Satan used many teachings in order to create lack of understanding about hell. और इसलिए शैतान ने कई ऐसी गलत शिक्षाओं को उजागर किया है कि हम नरक में जाएं. Or if there are people who do believe in hell, they don't really take it seriously. और जिन लोगों को नरक के बारे में पता है लेकिन वो उसे गंभीरता से नहीं लेते. Satan uses false teachings to tell us you don't have to be afraid. God is a good God. Don't worry. और शैतान गलत शिक्षाओं का उपयोग करता है कि परमेश्वर भला है और नरक से डरने की जरूरत नहीं है. Our God is a good God. He is a loving God. He will not send you to hell. और हमारा परमेश्वर भला है और वह प्रेम करता है, वह हमें नरक में नहीं भेजेगा. He is a good God and he is a loving God. वो एक भला परमेश्वर है और प्रेम करता है. But he will send you to hell if you don't believe in him. पर वह हमें नरक में भेजेगा अगर हम उस पर विश्वास नहीं करते. That's the clarity I want to give today. और यही सफाई मैं आज आपको देना. Because it's a place that we will, some of us may end up going. और ये वो जगह है जहां शायद हम में से कुछ जाएंगे. You see, if you don't have right understanding about hell, अगर आपको नरक की सही समझ नहीं है, then you will not fear God. तो आप परमेश्वर का भय नहीं मानेंगे. You see, if you are not afraid of hell, you will not be afraid of God. और अगर आपको नरक से डर नहीं लगता तो परमेश्वर का भय नहीं मानेंगे. That's why some of us can go to church week after week, can do everything in the, about the church, but have no fear of God at all in our hearts. इसलिए हम में से कुछ लोग हर सप्ताह कलीसिया आ सकते हैं लेकिन परमेश्वर का भय हमारे मन में नहीं पाया. We may be serving in the church and doing a lot of things for the church and yet have no reverence for the presence of God. हम कलीसिया में सेवा कर रहे होंगे लेकिन परमेश्वर के प्रति भय नहीं होगा. Because we don't believe in hell. क्योंकि हम नरक में विश्वास नहीं. We don't realize what happens when we don't have the fear of God. हम ये नहीं जानते कि क्या होगा जब परमेश्वर का भय हमारे पास. Now listen, we don't have the fear of God because we don't have the respect for the holiness of God. हम परमेश्वर का भय इसलिए नहीं मानते क्योंकि हम परमेश्वर की पवित्रता का आदर नहीं करते. We are too much focused on the loving nature of God. God is a loving God, by the way. I'm not changing that part. God is a loving God. We are so focused on the loving nature of God that we forget God is a holy God. और हम परमेश्वर के प्यार की ओर इतना नजर रखते हैं कि हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर पवित्र है. I think many churches, many pulpits have done injustice by turning our eyes only to look at the cross and the love of God that we are forgetting what happens if we reject that cross. और कई कलीसियाओं ने ये अन्याय किया है कि अगर हम परमेश्वर का भय नहीं मानेंगे तो हमारे साथ क्या होगा. Because we have lack of respect for the holiness of God, you then have no fear of God. और क्योंकि हम परमेश्वर की पवित्रता का आदर नहीं करते तो परमेश्वर का भय भी हमें नहीं. And when you don't respect the holiness of God, when you have no respect for the holiness of God, then you will live your life however you want. और जब हम परमेश्वर की पवित्रता का आदर नहीं करेंगे तो हम जैसे चाहें वैसा जिएंगे. You will follow your selfish desires. हम अपने मन की इच्छाओं के पीछे चलेंगे. You will follow your own plans. हम अपने ही प्लान्स पे चलेंगे. We will live however we want. हम जैसे चाहते हैं वैसे रहेंगे. And then we will pray God will bless us. और फिर हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें आशीष दे. That's the Satan wants you to follow your desires, not the desire of God. और शैतान चाहता है कि आप अपनी इच्छाओं पे चलो ना कि परमेश्वर की. For Satan it doesn't matter if you go to church. और शैतान को फर्क नहीं पड़ता कि आप कलीसिया जाएं. Satan doesn't matter if you give our tithes and if we give everything that we have. उसको फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने दशमांश को दें. For Satan it doesn't matter even if you serve in the church. I'll show you that. उसे ये भी फर्क नहीं पड़ता कि आप कलीसिया में सेवा करें. But all Satan wants you and me is to follow our own desire. शैतान बस यही चाहता है कि हम अपनी इच्छाओं के पीछे. As long as you follow your own desire, as long as you don't do the will of God in your life, Satan is happy with any Christian.
और जब तक हम परमेश्वर की मर्जी में नहीं चलते और अपनी इच्छाओं के पीछे चलते, शैतान खुश रहेगा। You do that when you don't have a fear of God. और हम ऐसा तब करते जब परमेश्वर का भय हमारे मन में ना हो। You see, that spirit, lack of understanding of hell, will also make you disrespect what Christ achieved in the cross. और नर्क की समझ ना होने के कारण हम ये भी इस बात का भी अनादर करेंगे कि परमेश्वर ने क्रूस पे हमारे लिए क्या किया। For us, cross becomes just a symbol that we look at, we carry with ourselves. और क्रूस हमारे लिए सिर्फ एक चिन्ह के समान रह जाता है जो हम हमारे साथ लेकर घूमते हैं। You forget the pain that Christ had to endure at the cross because you have no respect for the holiness of God. हम भूल जाते हैं कि यीशु ने किस दर्द को सहा क्योंकि हम उसकी पवित्रता को नहीं मानते। क्रॉस बिकम्स जस्ट अनदर थिंग वी नो अबाउट। और क्रूस सिर्फ एक और वस्तु हो जाती है जो हम जानते हैं। यू हैव नो रेस्पेक्ट फॉर द क्रॉस एंड बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर क्रॉस यू डोंट इवन रेस्पेक्ट द गॉस्पेल यू रिसीव्ड। और हम जब क्रूस का भी आदर नहीं करते तो हम उस सुसमाचार का भी आदर नहीं करते। यू सी द कनेक्शंस नाउ। ऑल सैटन वांट्स इज फॉर यू नॉट टू थिंक अबाउट हेल। और शैतान बस यही चाहता है कि आप नरक के बारे में ना सोचें। When you don't think about God, you don't fear God. जब आप परमेश्वर के बारे में नहीं सोचते तो परमेश्वर का भय नहीं करते। You don't fear God because you have no respect for the holiness of God. हम परमेश्वर का भय नहीं करते क्योंकि उसकी पवित्रता का आदर नहीं करते। And when you don't respect the holiness of God, then you live however you want. और जब हम पवित्रता का आदर नहीं करते तो हम जैसे चाहे वैसे जीते। When you live however you want, you are disrespecting the cross of God. और जब हम जैसे चाहे वैसे जीते तो हम उस क्रूस का अनादर करते हैं। And then you make waste of the gospel, the good news of God, that God gave you graciously. और इस तरह हम सुसमाचार का अनादर करते हैं। That's what Jesus is trying to tell us through this parable. और इसलिए यीशु हमें इस दृष्टांत से बताना। He's trying to tell us, listen, don't take what is given to you for granted because what happens after you die is irrevocable. You can't change that. और वो हमसे ये कहता है कि जो तुम्हें दिया गया उसे हल्के में मत लो क्योंकि मृत्यु के बाद जो होगा उसे आप बदल नहीं सकते। As you looked at this parable, और जैसे हमने इस दृष्टांत को देखा, you kind of realize what Jesus is trying to teach us. हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। First of all, he's telling us, listen, your souls don't die along with your bodies. Your souls are going to live after you die. और वो ये कहते हैं कि तुम्हारे मृत्यु के बाद तुम्हारी आत्मा नहीं मरेगी। Your body is dead. तुम्हारा शरीर मर गया। But your soul is living. लेकिन तुम्हारी आत्मा is not just living and going around like a ghost. That's not how it is. और ये एक भूत की तरह इधर उधर जाना नहीं है। Your soul knows what is happening to it. और तुम्हारी आत्मा जानता है कि उसे क्या हो रहा है। Your soul either is going to go and be with the Father in heaven, or your soul is going to go to hell and stay there for eternity. और या तो तुम्हारी आत्मा परमेश्वर के साथ जाके रहेगी या फिर अनंत काल के लिए नरक में जाएगी। Every righteous person who is dead will go and be with the Father. हर धार्मिक व्यक्ति जो मरता है वो परमेश्वर के साथ जाएगा। And everyone who rejected Christ will go and be in hell. और जिस किसी ने यीशु को ठुकराया है वो अनंत काल के लिए नरक में जाएगा। There is no waiting period here. यहाँ पे कोई इंतजार। And there is no waiting list there. और कोई इंतजार। You are directly going to hell once you rejected Christ and you are dead. और जब आपने यीशु को ठुकराया तो आप सीधा नरक में जाएंगे। Jesus makes it very clear to us. यीशु ने ये बहुत साफ कर दिया। He teaches us, it doesn't matter how much money you made, your wealth is not going to take you to heaven. और परमेश्वर ये कहता है कि चाहे जितना आपने कमाया हो वो आपको स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा। Now listen, in this parable he is not saying all the rich people are going to hell. That's not what he is saying. और वो ये नहीं कह रहा है कि हर धनी व्यक्ति नरक में जाएगा। Neither is he saying every poor man is going to heaven. That's not what he's saying. और ना ही ये कहता है कि हर निर्धन व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा। He just used two different people in two different statuses of the society just to show the contrast that happens in heaven and hell. और उसने दो लोगों को दो समाज में दिखाया है कि क्या होता है उनके साथ। So you can have all the wealth in the world but still end up in hell. हमारे पास शायद सारी रकम हो लेकिन फिर भी नरक में जाएंगे। You can make all the buy all the properties, build your family, build your financial wealth and still end up in hell. आप बहुत सी रकम को इकट्ठा कर सकते हैं, properties ले सकते हैं लेकिन फिर भी नरक में जाएंगे। This reality Jesus is trying to show us that there is a life beyond your grave and it's a real place. और यीशु इस सच्चाई को बताना चाह रहा है कि एक कब्र के बाद भी आपका एक जीवन है। Now once you go to hell, और एक बार आप जब नरक में चले गए, there is no escape from it. वहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं। There is no, it's an irrevocable fate.
it's a seal that is put on your body, in your soul, that there is no way you can get out of that place. और उसे बदला नहीं जा सकता है. There is no end for it. उसका कोई अंत नहीं है. See, by talking to us about hell, Jesus is giving us sufficient warning that hell is going to come. Better get ready now. और नरक के बारे में बात करके परमेश्वर हमें चेतावनी दे रहा है कि हम तैयार रहें. That we are ready to die and go to be in the presence of God. कि हम मृत्यु के लिए तैयार और परमेश्वर की उपस्थिति में. God gave enough warnings in the Scripture to, by talking about hell, to tell us better make a decision today. परमेश्वर ने हमें कहीं चेतावनी दी है कि हम सही निर्णयों को लें. Because after you die, there is no change. एक बार आपकी मृत्यु हो गई तो कुछ नहीं बदला. And he will not give us any more warning after this. और उसके बाद और चेतावनियां नहीं मिलेगी. That's why he used this parable. और इसलिए इस दृष्टांत को उसने. As I looked at this parable, I realized Jesus spoke more about hell in the Bible than any other writer in the Scripture. और यीशु ने नरक के बारे में ज्यादा बात की है और किसी और विषय को. In the Bible, 23 times you see a passage talking about hell and how hell looks like. और बाइबल में हम देखते हैं कि 23 बार नरक के बारे में बात की गई है. But out of that, 15 times Jesus talked about hell. और उसमें से 15 बार यीशु ने नरक के बारे में बात की. That means Jesus gave 15 warnings to all of us. Be careful where you're going to end up. इसका मतलब यह है कि यीशु ने हमें कई चेतावनियां दी कि हम सावधान रहें. As I looked at this passage and those scriptures that Jesus talked about, I wrote down 3 things that we all must remember about hell. और जब मैं ये सब पढ़ रहा था तो मैंने 3 बातों को लिखा है कि जो हमें याद रखना चाहिए नरक के विषय. Number 1. पहली बात. Hell is a real place. नरक एक वास्तव में एक जगह है. There is a place called hell. वास्तव में नरक करके एक जगह है. You don't want to see it right now. If you see it, that means you are inside it. Okay? आप उसे देखना नहीं चाहते. Don't ask for pictures of hell right now. If you see it, you are gone there. That's it. So there is a real place called hell. So वास्तव में नरक बोल के एक जगह है. That's why Jesus so many times repeated it. Be careful, you'll be thrown there. इसलिए यीशु ने बार-बार चेतावनी दी है कि सावधान रहो. It's a place of torment. Jesus called it. वो सताने वाली जगह है. It is a place where forever your soul will be tormented. और वो ऐसी जगह है जहाँ हमेशा के लिए आपका आत्मा को that kind of pain, जाएगा. That kind of pain, that kind of torment you will not be able to bear, but you have to bear. और वो ऐसी दुख और ऐसा पीड़ा होगा कि आप सह नहीं पाएंगे. It will be permanent separation from God. और वो हमेशा के लिए परमेश्वर से अलगाव होगा. That's why we need to be careful about hell. इसलिए हमें नरक को लेकर सावधान रहना. Jesus calls it a place of darkness. यीशु उसे अंधकार की जगह कहता है. He says, listen, once you go inside that, there is no light for you anymore. और वो कहता है कि एक बार वहां घुस गए तो वहां पर सिर्फ अंधेरा है, कोई उजाला नहीं. Basically, can you imagine sitting in this place for 1 hour, even in the morning times, without lights? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप इस जगह पर बिना रोशनी के रहें? Even in this such a big place, if there is no darkness, you will suffocate. अगर यहां पर there is no light, you will suffocate. अगर यहां पर कोई रोशनी नहीं है तो आपका दम घुटेगा. You will long to get out. आप चाहेंगे कि यहां से बाहर निकलो. Imagine staying like that for an entire day inside a closed room without any light. और कल्पना करें कि ऐसी जगह आपको दिन भर रहना पड़ रहा है. That even the thought of living like that without any light is we can't imagine, right? Now that we have so many lights, we won't actually know what life looked like a century ago without any tube lights or whatever lights. और आज हम जब इतनी लाइट्स को देखते हैं तो हम सोच सकते हैं कि जब कोई भी रोशनी नहीं होगी तो कैसा लगता होगा. इमेजिन नाउ इटर्निटी विदाउट एनी लाइट. और कल्पना करें कि अनंत काल के लिए बिना रोशनी के आप हैं. दैट मींस व्हाट जीसस इज ट्राइंग टू हिंट एट इज हेल इज गोइंग टू बी अ प्लेस वेयर यू आर आइसोलेटेड फ्रॉम एवरीथिंग एल्स. और परमेश्वर ये कहता है कि नरक एक ऐसी जगह है जहां आप हर चीज से दूर रहेंगे. सम ऑफ अस मे बी थिंकिंग इट्स ओके इफ आई गो टू हेल एट लीस्ट आई हैव सम काइंड ऑफ कंपनी. और हम सोचते हैं कि चलेगा अगर मैं नरक में हूं मुझे किसी का साथ मिल जाएगा. नो यू विल बी ऑल अलोन इन हेल. नहीं, आप पूरी तरीके से अकेले रहेंगे. यू विल बी ऑल अलोन विद नोबडी टू लुक टू, नोवेयर टू गो टू. फॉरएवर यू आर स्टक इन दैट प्लेस. आप हमेशा के लिए अकेले रहेंगे, वहां कोई नहीं होगा आपके साथ. यू नो आई ऑलवेज थिंक अबाउट आई एम वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक. लाइक आई ऑलवेज थॉट अबाउट व्हाट इट वुड फील लाइक
if you got stuck in a pipe, you know, that, in a, what do you call that? Pipe. Well, right, the pipeline. If you, there are people who got stuck like that. How would it look like if you got stuck like that? और मैं कई बार ये सोचता हूँ कि क्या होगा अगर मैं किसी पाइप में चले जाऊँगा। Sometimes when I watch a lot of documentaries. So sometimes when I watch documentaries, I get scared, especially these deep diving, water caves where people are actually going inside these caves, and I'm thinking how will I even survive? और मैं बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज को देखता हूँ और डर जाता हूँ जब देखते हैं कि गहरे पानी में जो गुफाएं होती हैं वहाँ पे कैसे रहेंगे। You are living like that forever. और कल्पना करें कि आप ऐसी जगह पर हमेशा That's why Jesus is trying to say, don't go there. और इसलिए यीशु कहता है कि वहाँ मत जाइए। Once you go there, there is no coming out of that place. और एक बार वहाँ चले गए तो वहाँ से आने का कोई रास्ता At least नहीं। Here in pipeline, you get stuck, somebody will rescue you after some time. और यहाँ पर पाइपलाइन में चले गए तो शायद कोई आकर निकाल लेगा। But there, nobody is there to rescue. पर वहाँ कोई नहीं बचा सकता। That's why when he looked up and called up to Father Abraham, Father said, no, you can't. There is a big gap between you and us. और इसलिए जब उस धनी व्यक्ति ने ऊपर देखकर कहा पिता अब्राहम बचा तो उसने कहा कि नहीं अब कोई रास्ता नहीं है। One of the places in Revelation chapter 14 verses 10, the Bible says hell is a place of burning sulfur. और प्रकाशित वाक्य उसके 14 अध्याय में हम देखते हैं कि दसवें पद में वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा। Can you imagine acid being poured on your body, right? You know what happens when even a drop of acid falls on your hand. और हम देखते हैं कि जब हमारे शरीर पे अगर एसिड भी गिरता है गरम तो कैसा Forget about real acid, even the cleaning acid, if it falls on your hand, can you imagine the pain that it would cause and that you know? और आप एसिड को छोड़ी यहाँ तक कि जिससे हम सफाई करते हैं अगर वो एसिड भी हमारे ऊपर गिरे तो कैसा जलता है? This is burning sulfur forever. और ये एक जलता हुआ गंधक है हमेशा के लिए। You may be wondering, but you don't have body. How will you feel like fire? You know? और आप सोचते हैं कि शरीर तो होगा नहीं तो जलेगा कैसे? Now, God, that means God very specifically created a fire that can burn the soul also. और परमेश्वर ने इसलिए ऐसी अग्नि को बनाया कि वो आपके प्राण अपने आत्मा को भी जला सके। You are thinking only fire, only body gets burnt in fire, but even your soul can get burnt in fire and remain alive forever. और आप सोचते हैं कि शायद सिर्फ शरीर ही जलता है, लेकिन नहीं, आपकी आत्मा भी जलती है और हमेशा के लिए जलेगी और फिर भी जीती रहेगा। That's why Jesus in Mark chapter 7 verses 49 reminded us. Listen. It's a place where worms don't die and fire never gets quenched. और मार्कुस में मार्कुस उसका नवे अध्याय में हम देखते हैं कि आपके 49 क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। नमक अच्छा है पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किससे नमकीन करोगे? Is it Mark chapter 9? Are you reading Matthew? Marcus? Sorry. 48. Read 48 in Hindi. जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। That means nobody is going to die in hell, but everybody is going to burn in hell. और कोई भी नरक में मरेगा नहीं, लेकिन नरक में जलता रहेगा। It's a place that is real. और ये एक वास्तव में एक जगह है। The second thing that you and I need to understand about hell. और दूसरी बात जो हमें समझने की जरूरत It's a place you decide to go. और ये वो जगह है जहाँ पे आप खुद जाने का निर्णय लेते God is not sending you to hell. परमेश्वर आपको नरक में नहीं भेज रहा है. God doesn't want to send you to hell. परमेश्वर आपको नरक में नहीं भेजना चाहता But है. you decide to go to hell and God says, okay, go. और आपने खुद चुना है कि आप नरक में जाओ, परमेश्वर कहता है ठीक है. Because when God created hell, he created it for Satan and those who followed Satan. परमेश्वर ने जब नरक बनाया था तो शैतान और जो शैतान के पीछे चलते उसके लिए बनाया। You see, God hates Satan. और परमेश्वर शैतान से नफरत करता है। He really hates Satan. वो सच में नफरत करता है। Satan disobeyed God. शैतान ने परमेश्वर की अनाज्ञा He rebelled against God. परमेश्वर के खिलाफ गया था। He made us rebel against God. उसने हमें परमेश्वर के खिलाफ बलवा करवाया। Satan is there to steal joy.
शैतान हमारी आनंद को छीनना चाहता है। Satan is there to destroy marriages. वो शादियों को तोड़ना चाहता है। Satan wants to destroy our children. हमारे बच्चों को तोड़ना चाहता है। Satan wants to destroy our financial stability. हमारी आर्थिक स्थितियों को खराब करना चाहता है। Satan wants us to be away from God. शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर से दूर रहें। And God loves us. पर परमेश्वर हमसे प्यार करता है। But because Satan is doing everything in order to take us away from God, God hated Satan and he prepared a place for Satan. और क्योंकि शैतान हर एक काम कर रहा था कि परमेश्वर से दूर रहे, परमेश्वर ने शैतान के लिए एक जगह बनाई थी। Hell is a place that God prepared for Satan. और नर्क वो जगह है जो परमेश्वर ने शैतान के लिए बनाई थी। The description that I just gave you about hell, it's actually not for us. और जो व्याख्या मैंने आपको अभी नर्क के बारे में बताई, वो हमारे लिए नहीं है। It was for him. वो शैतान के लिए थी। It was for those who all those fallen angels that followed Satan. और वो उन सब स्वर्गदूतों के लिए थे जो गिरे हुए थे। But लेकिन we can choose to go there too. हम भी वहाँ पर जाने का फैसला ले सकते हैं। Jesus, that's what Jesus is trying to show to us. और यही परमेश्वर हमसे कह रहा है। It's a place where those who heard the gospel and rejected it will go. और ये वो जगह है जहाँ लोगों ने सुसमाचार को सुना और ठुकरा दिया। Decided, no, I won't believe in this word. उन्होंने ये निर्णय लिया कि नहीं, मैं इसमें विश्वास नहीं करूँगा। God is using His word to speak to us week after week. For some of us every day to give us a revelation from his word which we can choose to reject and then go to hell. और परमेश्वर हर सप्ताह हर दिन हमसे बात कर रहा है इस वचन के द्वारा कि हमें प्रकाशन देने के लिए कि हम भी वहां जा सकते हैं। When God speaks to us, when you refuse to receive that revelation, we will go to hell. और जब हम उस प्रकाशन को लेने से मना कर देते, ठुकरा देते, तो हम भी नरक में जा सकते हैं। When we are not truly repentant of our sin, then we will go to hell. और अगर हम अपने पापों से संपूर्ण रूप से मन नहीं फिरा रहे, तो हम नरक में जा सकते हैं। When we reject the cross of Christ, then we will go to hell. जब हम क्रूस को ठुकरा देते, तब हम नरक में जा सकते हैं। In fact, Jesus calls us those who do wicked things. और यीशु for those who reject cross. यीशु कहता है वो लोग जो दुष्ट कामों को करते हैं जो क्रूस को ठुकराते हैं। You are sitting here and you are thinking, but I am a Christian. I'll go to hell, heaven, right? आप शायद सोचेंगे कि मैं मसीह हूँ, मैं नरक में नहीं जाऊँगा। I'm not. I don't think you want to be that sure about it. मैं नहीं चाहता कि आप उतने पक्का रहे। Somebody after the first service came to me and is asking, but you are saying contradictory things. Let me explain that in Matthew chapter 7. और पहली सभा में कोई आकर मुझसे कहता है कि तुम दो अलग बातें कर रहे हो। Matthew chapter 7, Jesus is saying, I am not talking अलग बात, Jesus is talking अलग बात right now. Matthew chapter 7, verses 23. और मत्ती, sorry, 21, start with 21. मत्ती 7 और हम 21वें पद से पढ़ेंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। What Jesus is saying is everybody who says I'm a Christian is not going to heaven. That's what he's saying. और यीशु ये कह रहा है कि हर कोई जो कहता है मैं मसीह हूँ, वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। Those are not the guys. Look at what who will actually go to heaven. परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। Only the one who follows the will of the Father will go to heaven. सिर्फ वही जो परमेश्वर की इच्छा के पीछे चलते हैं स्वर्ग में जाएंगे। Now next verse. उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? Wait a second. I'm reading this and I'm thinking, oh my God, Jesus is speaking to me. और मैं ये पढ़ता हूँ और सोचता हूँ कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। I was horrified when I looked at that verse. और मैं डर गया जब मैंने इस पद को पढ़ा। For last 17 years, every single Sunday morning, I'm standing here and giving you भविष्यवाणी। और पिछले 17 सालों से मैं यहाँ पर आकर आपको भविष्यवाणी दे रहा हूँ। Every Sunday. हर रविवार। And Jesus can look at me and say, I don't know you. और यीशु शायद मेरी तरफ देखकर कह सकता कि मैं तुझे नहीं जानता। He's saying, some of them are saying, God, but I drove out demons in your name. और कुछ कहते हैं कि मैंने दुष्ट आत्मा को भगाया है तेरे नाम। I prophesied in your name. I did miracles in your name. मैंने चमत्कार किए हैं, मैंने भविष्यवाणियाँ की हैं। And Jesus can look at me and say, I don't know you. और यीशु कह सकता है मैं नहीं जानता। I mean, I don't even know your name. मैं शायद तेरा नाम भी नहीं जानता। Imagine if that is going to happen to me about you. सोचिए अगर मेरे साथ हो सकता है तो अपने बारे में सोचिए। I am serving God and God can look at me and say, I don't know you. और मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ, परमेश्वर मुझसे कह सकता है कि मैं नहीं जानता तुझे।
imagine what will happen to you when you go to heaven. कल्पना कीजिए कि आपके साथ क्या होगा अगर जब आपकी मृत्यु होगी. I don't want anyone of us to be in that place. मैं नहीं चाहता कि कोई भी उस जगह पर मिले. Well, Jesus doesn't want anyone of us to be in that place. यीशु नहीं चाहता कि कोई भी उस जगह पर पाया जाए. Now I realize it's not just not being a believer. Even if you are a minister, it doesn't matter. और मैंने अब ये जाना है कि सिर्फ एक विश्वासी नहीं, अगर आप एक परमेश्वर के सेवक है तो भी आपके साथ ऐसा हो सकता है. He actually says, get away from me, you wicked person. और वो कहता है कि दूर हो जा कुकर्म करने वाले लोग. That means I'm doing a church became wicked thing now. और शायद कलीसिया का काम करना एक दुष्ट काम हो गया. Isn't it? That's what Jesus is saying. I'm not saying it. Jesus is saying that. और यीशु ऐसा कह रहा है. So even if I build big churches, it can still be wickedness in the sight of God. चाहे मैंने बड़े-बड़े कलीसिया क्यों ना बनाए हो, परमेश्वर की नजर में वो भी दुष्ट काम. Even if our church is getting, even our Hindi service gets filled, it doesn't matter. अगर हमारी हिंदी सभा भी भर क्यों ना जाए, परमेश्वर को शायद फर्क नहीं पड़ता. For Jesus, there is only one measurement. यीशु के लिए सिर्फ एक ही measure है. Did you do my will on earth? क्या तुमने पृथ्वी पर मेरी इच्छा को किया? You see, now the day we decide not to do the will of God but do everything for God, you are still deciding to go to hell. और जब हम ये निर्णय लेते हैं कि हम सब कुछ करेंगे परमेश्वर के लिए लेकिन परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलेंगे तो हम नरक में जा सकते हैं. Make sense? Yeah. So that means even those who are Christians can go to hell if they don't do the will of God in their lives. और मसीह भी नरक जा सकते हैं अगर वो परमेश्वर की इच्छा को नहीं करे. But you can, that naturally leads us to the next question. But that's not fair, right? That's not fair. और वो हमें दूसरे सवाल पर लेके जाते हैं कि ये सही नहीं है. How can God send good people to hell? परमेश्वर भले लोगों को नरक में क्यों भेज? He's a good God. वो भला परमेश्वर है. Isn't it? He's a good God. It's not fair to send good people to hell. परमेश्वर भला है तो ये सही बात नहीं. Okay, if I do wrong, I go to hell, I can understand. But there are people who never heard the gospel. How can God send them to hell? अगर मैं कुछ गलत काम करूं और नरक में जाऊं तो समझ में आता, लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्होंने शायद सुसमाचार को नहीं सुना. So many good people are living in this world. और बहुत भले लोग इस दुनिया में रह रहे हैं. Let me start answering that question first. मैं उस सवाल का उत्तर आपको देता हूं. There is nobody who's good. और कोई नहीं है जो भला है. Bible says there is nobody who's good. कोई नहीं है जो भला है. Don't think you are a good person. ऐसा मत सोचो कि आप अच्छे हो. Don't think you are doing something, you're doing some work for the church and think that you are doing some great things. और ऐसा मत सोचो कि आप कलीसिया के लिए कुछ काम कर रहे तो महान काम कर रहे हो. There's nobody who's good. और कोई भी अच्छा नहीं है. Romans chapter 3. और रोमियो उसका. These are verses you need to remember. Okay, Romans chapter 3. Paul is writing this. Verses 10 onwards. Read it. 10 to 18. Romeo, uska tisra adhyay aur 18. No, 10. Start here. Okay. Jaisa likha hai, koi dharmi nahi, ek bhi nahi. There's no one, not even one person righteous. Okay. Koi samajhdar nahi. So, there's no samajhdar also. That means, no matter how much I preach, you will not even understand anything. That's what he's saying, right? जो कोई भी समझदार नहीं है. कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं. कोई भी नहीं है. There's nobody who's even seeking God. This is even fascinating. When I'm reading this, I'm thinking, oh my God. He's saying there's nobody who's searching for God. Given a chance, nobody will search for God. और ऐसा कहता है कि कोई भी परमेश्वर की खोज नहीं करता है. You're thinking you're good and good Christian. You're not even close there. आप शायद सोच रहे हैं कि आप अच्छे मसीह हैं, लेकिन आप शायद नजदीक में भी नहीं हैं। अगर चांस मिला तो, you will not come to church. मौका मिला तो शायद आप कलीसिया नहीं आएंगे। If everything is set in your life, do you think you will go to church? अगर सब कुछ सही है तो क्या आप चर्च आएंगे? You might go to church because you're a Christian to go to church. आप शायद कलीसिया आए क्योंकि आप मसीह हैं। Maybe you'll feel bad if you don't go to church. आपको शायद बुरा लगेगा अगर आप नहीं आएंगे तो। But given a chance, none of us will go to church. लेकिन अगर हमें मौका दिया जाए तो शायद हमें से कोई भी कलीसिया जाए। I'm not saying that. और ऐसा बाइबल कह रही है। Nobody is seeking God. कोई भी परमेश्वर की खोज नहीं कर रहा। The next verses are even more upsetting to us. Look at what he said. सब भटक गए हैं। Everybody भटक गए। सबके सम निकम्मे बन गए हैं। What did we become? निकम्मे. We have become
useless fellows. और हम निकम्मे बन गए. So don't say something, you know, how can God do like this for good people? There is no way, everybody's निकम्मे. और ये मत सोचो कि परमेश्वर भले लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है. Even more, let's continue. कोई भलाई करने वाला नहीं. कोई भी भलाई नहीं करेगा. Nobody is doing good. एक भी नहीं. No, एक भी नहीं. This is, don't say, okay, I'm bad, but that person is, no. That person is bad. Even if he's doing good, he's not doing good. He's doing it with a selfish reason. अगर कोई भला काम भी कर रहा है तो शायद वो एक स्वार्थी उससे कर रहा है. In this world, I've come now to an understanding. I know I still need to understand a lot in the world. But I now realize that there is nobody who does good in this world. Everybody has a hidden agenda behind. और मैं अब ये जानता हूँ कि कोई भी भलाई का काम नहीं करता, जो भी करता है उसके मन में एक एजेंडा होता है. Something else inside. They want to do good because that thing has to be achieved. उसके मन में कुछ और मकसद होता है जिसे वो पाने के लिए काम करता है. So when you go to God and say, God, how can you do injustice? How can you be unfair? Look at what God is saying in the next verse. और जब आप परमेश्वर से कहे कि आप अन्याय कैसे करते हैं, तो हम आगे पढ़ते हैं. उनका गला खुली हुई कब्र है. उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है. He's saying, listen, stop talking. That's what he's saying. Stop talking. What is coming out of your mouth is like a stench from the grave, open grave. और परमेश्वर बोलता है अपना मुंह बंद रखो और आपके मुंह से जो निकल रहा है वो खुली हुई कब्र में से. When we are trying to talk holy talk, God is closing his nose and saying, no, please don't. और जब हम पवित्र बातें करने की कोशिश करते हैं तो परमेश्वर अपनी नाक को बंद करके कहते हैं कि मत बात करो. I know what is inside your heart. मैं जानता हूं तुम्हारे हृदय में क्या है. Don't talk, you know, like a Christian. Don't talk holy things. I know who you are. और पवित्र बातें करने की कोशिश मत करो. मैं जानता हूं तुम कौन. Continue. Their tongues. उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है. Their tongues are filled with lies. उनके होठों में सांपों का विष है. उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है. Stop. You know, when I was reading and preparing for this, it dawned on to me that even when we are appreciating somebody, we are not truthful. और जब मैं ये पढ़ रहा था तो मैंने ये समझा कि जब हम किसी की तारीफ भी करते तो हम सच्चाई नहीं होती. I don't know about you, but me, I realize I'm not truthful. और मैं अपने बारे में जानता हूँ कि मैं सच्चाई से नहीं करता. So when I meet another pastor who is doing a good job with his church. और जब मैं किसी और पादरी से मिलता हूँ जो अपने चर्च में अच्छा काम कर रहा है, good job, very nice, God is blessing you. और उसे कहता हूँ कि बहुत अच्छा काम किया आपने, I'm not really saying that with truthful heart. मैं सच्चाई से नहीं कहता हूँ. I'm thinking, how come I'm not doing that? मैं सोचता हूँ कि मैं वो काम क्यों नहीं कर रहा हूँ. How come I think I'm a better preacher than him? I should be better. I should have a bigger church, right, than him? और मैं सोचता हूँ कि मैं एक बेहतर प्रचारक हूँ, मेरा चर्च उनसे बड़ा होना चाहिए. You understand what I'm saying? Even our appreciations are not truthful. हमारी तारीफें भी लोगों के लिए सच्चाई से नहीं आती. So God knows that and he's saying, I know it's stench. और परमेश्वर जानता है और वो जानता है कि ये बदबूदार है. So there is nobody who's good. That's how he concludes. There is nobody who's good in this world. और वो ये कह रहा है कि कोई भी भला नहीं. So don't sit there and talk about justice to God. और वहाँ बैठकर न्याय की बात परमेश्वर से ना करें. You see, a holy God has to do justice. और आप देखें कि पवित्र परमेश्वर को न्याय करना है. So if God is holy, और अगर परमेश्वर पवित्र है, then every one of us must understand whatever he does, he will do it right. तो हमें ये समझने की जरूरत है कि वो जो कुछ भी करता है वह सही करता है. So stop talking about those who died and gone to hell. You better don't go there. और उनकी बात मत करो जो मर के नरक में चले गए. Some of us use the excuse of those who went to hell without knowing Christ and think, how can God do that? और हम कुछ उन लोगों का बहाना करते हैं जो परमेश्वर को बिना जाने नरक में चले गए. Paul knows people like us, so he answered that in Romans chapter 2. और पौलुस उस बात को जाता है और वो रोमियो में हमें उसका उत्तर दे रहा है. He talks about how God does the justice to those who never heard the law. और वो ये बताता है कि जिन्होंने सुसमाचार को कभी नहीं सुना उनके साथ कैसे न्याय करता है. He says, listen, he will judge you by what you heard, what you received. और वो ये कहता है कि आपने जो सुना है उसके बेसिस पे आपका न्याय होगा. So you heard the gospel. आपने सुसमाचार को सुना है. He will judge you on the basis of the gospel. और उसके ऊपर आपका न्याय होगा. But those who did not receive the law. लेकिन वो जिन्होंने सुसमाचार को नहीं अपनाया है. Those who never heard about Jesus. जिन्होंने कभी सुना नहीं है. He will judge them on the basis of the law that he wrote in their heart. और वो उन्हें उनके हृदय में जो न्याय को लिखा है उसके बेसिस पे जज. That's what happens at the great white seat throne judgment
when Jesus opens all the kartut that we done, and then he shows, this is what you have done. Either you are going to heaven or going to hell. The people who did the right, even though they don't know God, would be judged on the basis of that. और वो लोग जिन्होंने परमेश्वर का सुसमाचार नहीं सुना है वो उस आधार पर उनका न्याय किया जाएगा कि उनके मन में जो न्याय जो कानून को रखा था उन्होंने उस पर कैसे काम किया. That is the justice of God. और वो परमेश्वर का न्याय है. So now, if I believe Jesus, और अगर मैं यीशु में विश्वास करता हूँ, and if I do the will of God, और मैं उसकी आज्ञा पर चलता हूँ, then the day I die, I go to heaven. जिस दिन मैं मरूंगा मैं स्वर्ग में जाऊंगा. That's what we will talk next week, okay? ये हम अगले सप्ताह बात करेंगे. You believe in Jesus and you do the will of God in your life. आप यीशु पर विश्वास करते हैं और उसकी आज्ञा पर चलते हैं. Number two, you believe in Jesus but don't do the will of God. आप यीशु को जानते हैं लेकिन उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं. Then you will go to hell if you die. तो आप नरक में जाएंगे. Okay? Please pray that Jesus won't come back before you either change and accept Jesus and come to do the will of God. और प्रार्थना कीजिए कि यीशु हम या तो हमारे बदलने से पहले या हमारे यीशु को अपनाने से पहले ना आए. Otherwise you will end up in hell. नहीं तो हम नरक में. Even though you are a Christian. आप मसीह हैं तो भी. Even though you are a minister of God. आप परमेश्वर के सेवक हैं तो भी. फिर भी if you are not doing the will of God you will end up in hell. फिर भी आप नरक में जाएंगे अगर आप परमेश्वर की इच्छा को नहीं मानते. And those who never heard the gospel and those who heard the gospel and rejected the gospel. और वो जिन्होंने परमेश्वर का सुसमाचार सुना और उसे ठुकरा दिया. And did not accept the lordship of Jesus Christ will go to hell. और यीशु की प्रभुता को नहीं अपनाया वो नरक में जाएंगे. It's not for them. ये उनके लिए नहीं. The hell is not prepared for them. नरक उनके लिए नहीं बनाया. But they made a choice to go there. पर उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो नरक में जाएंगे. You have a choice today before you die. आपके पास भी एक निर्णय है बनाने के लिए. Don't say I will wait till I die. ये मत कहिए कि मैं मरने तक इंतजार करूंगा. We already talked about the reality of death last week that you never know when you're going to die. हमने मृत्यु की सच्चाई के बारे में बात कर रखी है कि हम नहीं जानते हम कब हमारी मृत्यु होगी. I am actually glad after last Sunday you are still alive this Sunday. मैं खुश हूँ कि पिछले रविवार के बाद आज भी आप जीवित हैं. You could have died this week. शायद आपकी मृत्यु हो सकती थी. I don't know if I'll see you next Sunday. मैं नहीं जानता कि मैं अगले रविवार आपको देखूं. You have choice today. आपके पास आज एक मौका है. That you can make a choice to say, Jesus, come into my heart. I want to do your will, not my plans, so that I can go to heaven. आप ये फैसला आज ले सकते हैं कि आप परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे अपनी इच्छा पर नहीं. You see, the goodness of God. परमेश्वर की भलाई ये है. That he knows what happens to us if we don't make that choice. कि वो जानता है कि क्या होगा अगर हमने वो फैसला नहीं किया. He also knows that we on ourselves will not make that choice. और परमेश्वर ये भी जानता है कि हम अपनी इच्छा से वो फैसला. That's why he gave us the Holy Spirit to open the scriptures to us, reveal the truth to us, convict us of the truth. और इसलिए उसने हमें पवित्र आत्मा दी है ताकि वचन के द्वारा वो हमें सच्चाई दिखा सके. In fact, Bible says God is pleading to us to accept that gospel so that we not only get saved but he is pleading through us to the whole world which has not yet come to Jesus. और हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों से विनती कर रहा है कि वो इस वचन को अपना ले. So that we can be transformed and avoid going to hell. ताकि हम बदल सके और नरक में ना जाएं. So decide to do one of the two things today. और इन दोनों में से कोई एक बात को करने का फैसला. If you have not followed God and surrendered your will to Jesus. अगर आपने अपनी इच्छा को परमेश्वर पे नहीं सौंपा है. You may be a Christian, obviously you're a Christian, that's why you're here. So, did you actually surrender your will to God and decided to do the will of God in your life? कि आपने वाकई में अपनी इच्छा को परमेश्वर के लिए समर्पित किया है? If you did not surrender your will to God and ask God, I want to do only your will, not my will. और अगर नहीं किया है तो आज वो फैसला लीजिए कि आप परमेश्वर के लिए अपनी इच्छा को समर्पण करें और उसके पीछे चलें. Now you may not know how to do it. आपको शायद नहीं पता होगा कि कैसे करना है. The Holy Spirit is given to us so that he can guide us in that path. हमें पवित्र आत्मा दिया गया है कि वो हमें सिखा सके कि हम कैसे ये काम कर सकते. But first we must be willing to do that. लेकिन पहले हमारी इच्छा होना आवश्यक है. Number two. दूसरी बात. The second, I think we have to do make both the decisions we had to make. The second decision is that God help me to share this news with others.
और दूसरी बात यह है कि हम परमेश्वर से मांगे कि वो हमारी मदद करे कि हम दूसरों से ये बात को साझा कर सके। There are people in our families who do not know Jesus. हमारे परिवारों में लोग हैं जो यीशु को नहीं जानते। I'm glad we are all saved. मैं खुश हूँ कि हम सब बचाए गए हैं। But you don't want your family to be in hell. आप नहीं चाहते हैं कि आपका परिवार नर्क में जाए। Isn't it unfair that you are trying to avoid hell, but you are okay with your family going there? क्या ये गलत बात नहीं है कि आप नरक से बचना चाह रहे हैं लेकिन आपका परिवार नरक में जाए? So you know we before they die we better talk to them about Jesus. We better talk to them about what will happen if they don't make their choice to accept Jesus. इससे पहले कि उनकी मृत्यु हो ये अच्छा होगा कि हम उनसे जाके यीशु के बारे में बात करें और उसका सुसमाचार बांटें। He doesn't want us to go to hell. वो नहीं चाहता कि हम नरक में जाएं। That's why Bible says in John chapter 3 verse 16 for God so loved the world that he gave his only begotten son. और इसलिए यूहन्ना में परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। So that anyone who believes in him will not perish but have eternal life. कि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो उसका नाश नहीं होगा पर अनंत जीवन पाएगा। You see, there is one thing that you and I may miss out in this parable. शायद हम इस दृष्टांत में एक बात को मिस कर सकते हैं। If you see how this rich man spoke to Abraham, अगर आप देखें कि ये धनी व्यक्ति ने अब्राहम से कैसे बात की, you'll realize he never complained about being in hell. आप ये देखेंगे कि उसने कभी शिकायत नहीं की कि वो नरक में है। This rich man, ये धनी व्यक्ति, it almost as if he knew he is supposed to be there. ये ऐसी बात है कि उसे पता था कि वो नरक में जाएगा। They know, he knows, he made a choice to be there. उसे पता है कि उसने ये फैसला लिया था कि वो यहाँ पर आ जाएगा। He was complaining about the pain in hell. वो उस पीड़ा के बारे में शिकायत कर रहा था जो उसे महसूस हो रही थी। But he is not complaining. You did injustice by putting me here. लेकिन वो ये नहीं कह रहा था कि आपने मेरे साथ अन्याय किया यहाँ रख कर मुझे। So those who went before us, who made a bad choice and in hell, they already know God did justice. और वो लोग जो आज नरक में हैं, उन्होंने पहले ही ये फैसला लिया था कि उनके साथ अन्याय नहीं हुआ है। They understand when they are in hell, they understand that God did not do injustice. जब वो नरक में हैं, तो वो जानते हैं कि परमेश्वर ने उनके साथ अन्याय नहीं किया। They know that they are the ones who made the choice to be there. वे जानते हैं कि उन्होंने ही ये फैसला लिया है जिसके कारण आज वो नरक में हैं। So stop worrying about those who went to hell already. तो उनकी आप चिंता मत कीजिए। Now let's get ready to go to heaven. आइए अब तैयारी करें कि हम स्वर्ग की ओर जाएं। And the only way to do that is to surrender our will to God and let God's will be the only thing that we do while we live here on earth. और उसका एक ही तरीका है कि हम अपनी इच्छा को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा पर चलें। Let's close our eyes. आइए अपनी आँखों को बंद करें। Take this moment to think about what God has spoken to you. और सोचिए परमेश्वर ने जो आज आपसे बात की है उसके विषय में। Is God speaking to you? And I'm sure He's speaking to us. और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर आज हमसे बात कर रहा है। If God is reminding you that, listen, I'm glad you accepted Jesus. और परमेश्वर अगर आपसे कह रहा है कि मैं खुश हूँ कि तुमने यीशु को अपनाया है। But did you surrender your will to do my will? क्या लेकिन तुमने अपनी इच्छाओं को मेरी इच्छा करने के लिए समर्पण किया है? If you did not, better do it today. और अगर नहीं किया है तो आप आज उस काम को कीजिए। Put your dreams aside. अपने सपनों को हटा दीजिए। Put your passions aside. अपनी इच्छाओं को एक तरफ कीजिए। Put your wants aside. तुम्हारी जरूरतों को, इच्छाओं को एक तरफ कीजिए। But surrender your will to me. अपनी इच्छा को मेरे लिए समर्पण करो। Say, he wants all of us to come to that place. परमेश्वर हम सबको उस जगह पर लाना चाहता है। Ask God, God, can you help me to surrender my will so that I can do your will? परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो अपनी हमारी मदद करे कि हम अपनी इच्छाओं को उसकी इच्छाओं के लिए समर्पण करें। Maybe God is speaking to you about your extended family. शायद परमेश्वर आज आपसे आपके परिवारों के विषय में बात कर रहा है। He is reminding you of your responsibility. आपको याद दिला रहा है आपकी जिम्मेदारियों के बारे में। That not only you get saved, but you must talk about this gospel to those who have never heard this gospel. कि सिर्फ आप अकेले ना बचाए जाए लेकिन आप जिन्हें जानते हैं वो भी बचाए जाएं। I pray that you would make a decision today that you would use every opportunity to talk about Jesus to those who have never heard about Jesus. और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आज आप वो फैसला लेंगे कि आप उस मौके को फायदा उठाएंगे कि आप परमेश्वर के बारे में जाके लोगों को बताएं। Father, I want to thank you, God, for this afternoon.
परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए. I surrender myself to you. मैं अपने आप को सौंपता हूँ. I surrender everyone who is surrendering themselves to you. मैं उन सभी को आपको समर्पित करता हूँ जो खुद को समर्पण कर रहे हैं. They are saying, we are all saying, God, so far we lived our lives for ourselves. हम ये कह रहे हैं कि हम आज तक अपने लिए जीते आए हैं. Even though we were Christians. हम भले ही मसीह थे. Even though we were active in our churches. हम कलीसिया में एक्टिव थे. But we followed our desires. लेकिन हम अपनी इच्छाओं के पीछे चले हैं. We followed our dreams. हम अपने सपनों के पीछे चले हैं. We know now that by doing that we are rejecting the gospel. और हम आज जानते हैं कि वो करने से हम सुसमाचार को ठुकरा रहे हैं. By doing that we are rejecting your authority in our lives. ऐसा करने से हम आपकी प्रभुता को हमारे जीवन से ठुकरा रहे हैं. So we submit ourselves to you, God. तो हम अपने आप को आज आपके ओर समर्पित करते हैं. Can you help us? Will you help us to do your will in our lives? क्या आप हमारी मदद करेंगे कि हम आपकी इच्छाओं पर चल सकें? When we sense your will. जब हम आपकी इच्छा को समझते हैं. When you speak your will to us. जब अपनी इच्छाओं को आप हमसे बोलते हैं. Give us a heart to surrender to your will. हमें उस हृदय को देना कि हम अपने आप को आपकी इच्छा के लिए समर्पित करें. Holy Spirit, can you open the scriptures and convict us of our sin? पवित्र आत्मा, क्या आप वचन को खोलकर हमें हमारे पापों के लिए बताएंगे? We don't want to go to hell, God. हम नरक में नहीं जाना चाहते. We know hell is a place for Satan. हम जानते हैं कि नरक शैतान के लिए बनाया है. We don't want to go there, God. हम वहाँ नहीं जाना चाहते. So help us to follow your will. हमारी मदद कीजिए कि हम आपकी इच्छा के पीछे चलें. But you also help us to go and share this gospel to others who are on their way to hell. और आप हमारी मदद कीजिए कि हम उनसे ये वचन को बांटे जो नरक की ओर जा रहे हैं. Starting with our own family, God. हमारे परिवार के साथ ही. Would you give us the courage? क्या आप हमें उस साहस को देंगे? Would you give us the word? क्या आप हमें उस वचन को देंगे? Would you give us the wisdom? क्या आप हमें उस बुद्धि को देंगे? So that we can carefully preach the gospel to those who never heard. कि हम सावधानी से उस वचन को बांट सके जिन्होंने कभी नहीं सुना हो. Thank you, Jesus. Thank you for today. धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए. We commit ourselves and our families to you, God. हम खुद को और हमारे परिवारों को आपको सौंपते हैं. We praise you. हम आपका आदर करते हैं. Thank you, Jesus. One more time, God, we commit ourselves to you. एक बार और हम आप हमें आपके ओर समर्पित करते हैं परमेश्वर. We surrender ourselves to you, God. हम अपना समर्पण करते हैं आपके लिए. We pray that throughout this week and throughout our lives we would live in the light of the knowledge we have gained today. हम प्रार्थना करते हैं कि हम इस सप्ताह और हमारे पूरे जीवन उस रोशनी में चल सके जो आपने हमें दी है. Thank you for speaking to us. हमसे बात करने के लिए धन्यवाद. Thank you for everyone who joined us today, God. उन सब के लिए धन्यवाद जिन्होंने आज ज्वाइन किया. I pray that this word would be imprinted upon their hearts. ये वचन उनके मनों में काम करे. Help us to live for your will. हमारी मदद कीजिए कि आपकी महिमा के लिए हम जिए. So that one day when you call us home we'll be with you. और जिस दिन आप हमें घर बुलाएंगे हम आपके साथ पाए जाएंगे. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु. I thank you, God, for giving us the opportunity to worship you today. धन्यवाद कि हम आपकी आराधना कर सके. Even as we continue to worship through our giving, I pray that you would accept our offerings and use it for your glory. और हम अपनी भेंटों को जैसे देते हैं आप उसे आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए. I pray that what we give would bring glory to your name. और जो हम आपको भेंट देते हैं वो आपकी महिमा के लिए उपयोग किया जाए. Thank you, Jesus. धन्यवाद. Use our lives to extend your kingdom. हमारे जीवनों का इस्तेमाल कीजिए कि आपके राज्य की बढ़ोतरी हो. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं. Amen.